चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज है आखिरी मौका, तो कौन सा दाव चलेंगे एमएस धोनी। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। आईपीएल के 13वें सीजन में आज शुक्रवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। चेन्नई का मौजूदा आईपीएल अभियान बद से बदतर होता जा रहा है। गत चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उम्मीद है कि वे अपने कुछ युवा खिलाड़ियों को आजमाएंगे। इस मैच में 2 अंक से रोहित शर्मा की टीम प्लेऑफ स्थान पक्का करने के करीब पहुंच जाएगी। सुपर किंग्स अब तक के खराब सत्र का अंत अच्छी तरह करना चाहेगी, जिसके पास अगर मगर से अब भी मौका है। आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 29 मुकाबले 2008 व 2020 तक हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस को 17 जबकि चेन्नई को 12 में जीत मिली है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली पिछली हार के बाद स्वीकार किया कि सत्र उनके लिए शायद खत्म हो चुका है, लेकिन टीम अगर अपने बचे हुए 4 मैच जीत ले तो वह भी 14 अंक हासिल कर सकती है, जिससे उन्हें अगर मगर से प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका मिल सकता है। जैसा कि मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि उनकी उम्रदराज खिलाड़ियों से भरी टीम पिछले 2 सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब चमक होती जा रही है, जिसने 2018 में खिताब जीता और फिर अगले साल फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत हासिल करने के बाद उसके लिए चीजें खराब होती रही। टीम को राजस्थान रॉयल के हाथों करारा शिकस्त झेलनी पड़ी और अब डेवन ब्रावो भी उसके साथ नहीं होंगे, जो चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राजस्थान के खिलाफ उसके बल्लेबाज झूसते दिखे और अब देखना बाकी होगा कि टीम नए खिलाड़ियों को मौका देगी या नहीं, क्योंकि सोमवार को मिली हार के बाद धोनी ने इसका संकेत दिया था। फाफड़ू डुप्लेसिस को छोड़ दे तो धोनी भी अन्य खिलाड़ियों की तरह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। टीम के लगातार केदार जाधव को खिलाने के फैसले की भी काफी आलोचना हुई, जो झूठते नजर आए, और अब ये देखना होगा कि उनकी जगह एन जगदीश चंद या ऋतुराज गायकवाड़ को उतारा जाएगा या नहीं। लेकिन टीम शानदार फॉर्म में चल रही मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगी, जो लगातार 5 मैच में जीत के बाद शानदार लय में थी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब ने उसकी इस लय को तोड़ दिया और रविवार की रात 2 सुपर ओवर में जीत हासिल की। 4 बार की आईपीएल चैंपियन शानदार फॉर्म में है और गेंदबाजी आक्रमण में वेरिएशन की मौजूदगी से वह चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, जिनका आत्मविश्वास वैसे ही गिरा हुआ है। शारजा पर विकेट के धीमा होने से चीजें बदलती हुई दिख रही है। साथ ही मुंबई इंडियंस की लाइन में क्विंटन डिकॉक अच्छे फॉर्म में है, जबकि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने भी अच्छा किया है। इतना ही नहीं, किरण पोलार्ड और हार्दिक पांडे की पावर हिटिंग ने भी तब मुंबई को बचाया जब उसके खड़े खिलाड़ी नहीं चले। कुणाल पांड्या ने भी कुछ अहम योगदान दिया और लेग स्पिनर राहुल चाहर के साथ कसी गेंदबाजी की। मुंबई की गेंदबाजी इकाई अच्छा कर रही है, लेकिन थिंक टैंक जेम्स पैटिनसन को नाथन कुल्टर नाइल की जगह लाने के बारे में सोच सकता है, जो खर्चीले साबित हुए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आज चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में जीत होगी या नहीं।